आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोगों के टॉसिंग द कॉइन का. तो इस क्वेश्चन में हम लोग तीन कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो दो हेड आए, कम से कम दो हेड तो आए, तीन भी आ सकते हैं. ओके, ठीक है, तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं. तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, दूसरा होगा तीनों पर टेल आ जाए, थर्ड पॉसिबिलिटी होगी आपकी दो पर हेड आए, एक पर टेल आए, फोर्थ होगा आपका हेड टेल हेड आए, फिफ्थ होगा आपका टेल हेड हेड, सिक्स पॉसिबिलिटी होगी आपकी हेड टेल टेल, सेवेंथ होगी आपकी टेल हेड टेल, एंड लास्ट आपकी पॉसिबिलिटी होगी आपकी टेल टेल एंड हेड. सो हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 8. ओके, तो आइए इनमें से देखते हैं कि हम लोगों का फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है. ठीक है, तो पहला वाला है कि आपका हेड हेड हेड, क्योंकि एटलीस्ट दो पूछा है तो तीन भी आ सकते हैं उसमें, तो एक ये हो गया. सेकंड वन आपका होगा कि हेड हेड टेल, जो कि थर्ड पॉसिबिलिटी थी आपकी. थर्ड आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कि आपका यहां पे फोर्थ था कि हेड टेल हेड. और आपका फोर्थ आउटकम होगा फेवरेबल, दैट इज आपकी फिफ्थ पॉसिबिलिटी कि जो है टेल हेड हेड. ओके, तो आपके फेवरेबल आउटकम आए 4 और आपका सैंपल स्पेस है 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स व्हेन वी आर टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस, जो फेवरेबल आउटकम्स है आपके 4 और सैंपल स्पेस है आपका 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2.